वेलकम टू एलटी बॉक्स। इस वीडियो में हम ऑप्टिकल सेपरेटर के ऊपर बात करेंगे। ऑप्टिकल सेपरेटर क्या होता है, इसका क्या काम है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले आप पिक्चर के अंदर देखें, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेपरेटर है। ये वायर्स के अंदर भी आते हैं, ऑप्टिकल वायर्स में, और ये बॉक्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1/4 का ऑप्टिकल सेपरेटर है, और ये ओपन है, मतलब कि इसमें एक कनेक्टर है और वो आगे चार के अंदर उनको सेपरेट कर देता है। मार्केट के अंदर अवेल है, कनेक्टर के बगैर भी आते हैं, आप पिगटेल लगा के यूज़ कर सकते हैं, 1/2 का, 1/4 का, 1/8, 1/16, 32। आप जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो ये बॉक्स की शक्ल में अवेल हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। हमारी फाइबर, ये जो हाउसिंग ट्रे है, इसके अंदर जॉइंट हो जाती है। जो हमने टर्मिनल बनाना है या जो हमने स्प्लिट करनी है जैसे एरिए में, वहाँ पे हम ये स्प्लिटर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अभी देखते हैं ये ऑप्टिकल स्प्लिटर है क्या। एन ऑप्टिकल स्प्लिटर आल्सो नो एज ए फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर, ये एक ऑप्टिकल स्प्लिटर है, इज ए पैसिव ऑप्टिकल डिवाइस। ये एक पैसिव ऑप्टिकल डिवाइस है, एक एक्टिव होता है जिसको पावर की ज़रूरत होती है, और एक पैसिव होते हैं, डिवाइसेस होती हैं जिनको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती। ये एक पैसिव ऑप्टिकल डिवाइस है, यूज इन ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क्स टू स्प्लिट ए सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल इनटू मल्टीपल सिग्नल। ये एक सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल के अंदर डिवाइड करता है, और टू कंबाइन मल्टीपल सिग्नल इनटू ए सिग्नल, मींस कि ये एक सिग्नल को मल्टीपल के अंदर डिवाइड करता है और मल्टीपल सिग्नल को एक सिग्नल के अंदर बना के देता है। इट इज कॉमनली यूज इन पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ये कॉमनली यूज किए जाते हैं हमारे जो पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है पॉन, ठीक है, इसके अंदर हम इसका यूज करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट ऑप्टिकल सिग्नल टू मल्टीपल सब्सक्राइबर। मतलब हम एक फाइबर से मल्टीपल जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्टिकल सप्लीटर आर एसेंशियल इक्विपमेंट कंपोनेंट, सॉरी, ये एक बहुत लाजमी जूस है, लाजमी कंपोनेंट है इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स फॉर एफिशिएंट सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ये था एक ओवरव्यू ऑप्टिकल सप्लीटर का। अभी नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं, और इसकी जो वैल्यू तो आपको मिल जाती है, चार्ट के अंदर भी बना रहता है और उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि आप खुद से एक वैल्यू हम कैसे वैल्यू बनती है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ऑप्टिकल सप्लीटर, ऑप्टिकल स्प्लिटर को हमने डिस्कस किया, ये क्या है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये कैसे काम करता है, ये हम देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास 1/2 का एक स्प्लिटर है, सॉरी, जिसके अंदर एक इनपुट है और दो आउटपुट है, मतलब जो पावर आ रही है उसको दो के अंदर ये डिवाइड करता है। 1/2 का स्प्लिटर है, इसकी जो अटेनुएशन है वो 33 dB है। तो ये कैसे निकलती है, देखें, 1/2 का है, 2 को अगर मैथमेटिकली हम करें तो 2^1 तो ये आ जाएगी। तो कॉमनली जो एक बेस बनाई गई है कि एक 1/2 के रेशियो से, वो
इसकी जो अटेनुएशन है वो 3 dB है, जो एडिशनल हम इसमें ऐड करते हैं ठीक है वो 0.5 है, तो टोटल इसका निकल के आ गया 3.5 dB। इस चीज़ की आपको समझ अगर आ गई है तो आगे समझना बहुत आसान है। जो एडिशनल लॉसेस हैं वो मैंने मेंशन कर दी हैं इसमें ही, देखें 1, 2, 1, 4 का होगा तो एडिशनल 0.5 dB होगा, 1, 8 और 1, 60 होगा तो 1 dB होगा, 38 और 64 होगा तो 1.5 dB होगा, 1, 128 होगा तो 2 dB होगा। ये एडिशनल लॉसेस होंगे इस ऑप्टिकल सप्लिटर के अंदर। सेम इसी तरह जब हम 1, 1, 4 का सप्लिटर यूज़ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, उसको हम एक लेग से फिर दो निकलती हैं ऐसे, हम 4 का सप्लिटर होता है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, तो जो उसकी पावर होगी उसको हम जो बेसिक हमारा 2 का था वैल्यू जो अटेनुएशन था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 के साथ तो 6 dB आ जाएगा। इसमें जो एडिशनल था वो ये जो एडिशनल लिस्ट है वो ऐड करेंगे ठीक है, 6 था तो 1, 4 का टोटल निकल के आ जाएगा 6.5 dB। सेम इसी तरह 1.8 का है कि हम 2 की पावर 3 ठीक है, इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो 2, 1, 1, 2, 1 द 2, 2, 4, 4 द 4 और 4, 3 द 8, तो इसको हम 3 को हम जब इसकी पावर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो एडिशनल इसमें 1.8 है तो 1.8 का एडिशनल कितना है 1 dB। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 की जो सप्लिटर होगा उसकी जो लॉसेस निकल के आएंगे, अटेनुएशन निकल के आएगी वो 10 dB रहेगी। तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं पॉन के अंदर, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क के अंदर 1.2 का भी यूज़ करते हैं, 1.4 का भी, 1.8 का भी, अपनी सिचुएशन और सिनेरियो के मुताबिक, सब्सक्राइबर के मुताबिक हम 1.60 का और 1.32 का भी यूज़ करते हैं और 64 का भी और 1.28 का, क्योंकि जी पॉन के अंदर हम जो है वो 1.8, 1.28 का यूज़ करते हैं और ई पॉन के अंदर हम जो है वो 1.64 का करते हैं। तो सेम इसी तरह 1.60 का भी ऐसे रहेगा, ये इसकी 16 लेग्स रहेंगी एक साइड से, और वन साइड से एक इनपुट होगी और 60 इसकी क्या होगी आउटपुट होगी, तो 60 है तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो इसकी जो पावर होगी इसको हम 3 के साथ जो इसका बेस था 2, ये वाली बेस स्टार्टिंग में जो हम 1, 2 की रीड की थी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 के साथ, तो उसकी 12 वैल्यू आ गई। एडिशनल इसमें 1.3 जो एडिशनल हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल इसका जो अटेनुएशन है वो हमारे पास 30.5 dB आ जाएगा, कि जब भी हम 1.60 का यूज़ करेंगे, 1.16 का स्प्लिटर, तो उसकी जो अटेनुएशन होगी वो 30.5 dB होगी। तो सेम अगर 1.32 की हम बात करें तो इसमें इनपुट है वो 1 रहता है और जो 32 है वो 32 इसकी आउटपुट्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इनका पॉन के अंदर यूज़ करते हैं, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 35, तो 5 की पावर को जो इसकी बेस थी 1, 2 की, इसकी वैल्यू 3 dB थी ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा ठीक है। इसमें जो एडिशनल है 1.5, तो जब हम ऐड करेंगे तो 1.32 का जो स्प्लिटर है उसके अटेनुएशन 15.5 dB आ जाएगा। तो इस तरह हम जो ऑप्टिकल स्प्लिटर हैं उनकी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं अपनी पावर बजट के अंदर पॉन नेटवर्क्स के अंदर,
ठीक है। सेम इसी तरह जो 3064 का होगा तो सेम उसी तरह 2 की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, उसमें 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो उसी तरह इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करके, जो एडिशनल ऐड करके उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं।